Hey guys, welcome back to my channel. So, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फेयर एंड लवली का फुल रिव्यू प्लस डेमो. सो गाइज, मेरे पास है यहाँ पर फेयर एंड लवली की ये ट्यूब जो कि 18 ग्राम का प्रोडक्ट है, ये जो कि साइड में मेंशन है एंड मैंने इसे जस्ट लिया है 85 रुपीज में. सो कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ ये आपको मिलेगी. तो ये है फेयर एंड लवली की बीबी फाउंडेशन ग्लो क्रीम. तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये फाउंडेशन बीबी ग्लो क्रीम है, तो इसकी कवरेज आपको कैसी मिलेगी अगर आप इस पे पैसे स्पेंड कर रहे हो, तो ये अच्छी होगी, वर्थ द मनी होगी या फिर वेस्ट ऑफ मनी होगी. तो आज मैं आप सबके साथ इसका फुल रिव्यू प्लस डेमो शेयर करूंगी. तो कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ ही आपको मिलेगी, जो कि एज यू कैन सी ये इसकी पैकेजिंग है. बात कर लेते हैं, क्योंकि हर बार कभी भी मैं कोई भी रिव्यू आप सबके साथ शेयर करती हूँ, उसकी पैकेजिंग से लेके ट्यूब से लेके हर चीज के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ. तो स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह हम पैकेजिंग से कि क्या क्या क्लेम कर रही है. तो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है फेयर एंड लवली बीबी ये फाउंडेशन ग्लो क्रीम है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है मेकअप लाइक ग्लो. तो लेट्स सी कि जब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी तो ये कितना ग्लो प्रोवाइड करती है. इनसाइड में लिखा हुआ है, व्हाट डज क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी मीन, अ गुड एजुकेशन, अ सक्सेसफुल करियर, योर ओन सैलरी. एंड इसके बाद लिखा हुआ है स्कॉलरशिप, करियर गाइडेंस एंड एजुकेशन एंड स्किलिंग. तो गाइस, अगर आप यू नो कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली जो इनकी वेबसाइट का नेम है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, चेक करके देख लेना, मे बी आप कि किसी काम में आ जाए ना. इसके बाद बैक साइड पे यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन है एज यू कैन सी, जो कि मैं आपको बता देती हूँ. तो अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है, लुक परफेक्ट इंस्टेंटली विद मेकअप लाइक ग्लो. फेयर एंड लवली बीबी क्रीम इज एन एक्सपर्ट प्रोडक्ट दैट ब्रिंग्स टुगेदर फाउंडेशन एंड एडवांस मल्टीविटामिन क्रीम फॉर. तो ये यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक इस प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स आपको होंगे, मेनली यहाँ पर वो लिखे हुए हैं. तो ये क्लेम कर रहे हैं कि कवरेज ऑफ डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेज. तो गाइस, आपके जो डार्क स्पॉट और ब्लेमिशेज उनको कवर कर देगी. देन इसके बाद है इवन स्किन टोन आपकी हो जाएगी इसे अप्लाई करने के बाद, और ये मैट है, नॉन ऑयली फील आपको देगी. तो मेनली अगर ये इस तरह का कुछ क्लेम कर रहे हैं कि नॉन ऑयली फील आपको देगी, ड्राई स्किन के लिए मे बी इतनी ज्यादा सूटेबल ना हो, जो कि मेरी ड्राई स्किन है. लेट्स सी, मैं इसे फेस पे अप्लाई करके देखूंगी कैसा रिजल्ट मिलता है. देन यहाँ लिखा हुआ है, हाउ टू यूज, अप्लाई द क्रीम इन डॉट्स अक्रॉस क्लींज्ड फेस एंड नेक, जेंटली ब्लेंड यूजिंग फिंगर टिप्स. ठीक है, यहाँ पर जस्ट इतना आपको करना है. बैक साइड में यहाँ पर इसमें क्या क्या चीजें यू नो इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज कर रखे हैं वो लिखे हुए हैं. आफ्टर दैट यहाँ पर इसका प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है. यस गाइस, अगर आप कुछ भी ले रहे हैं प्रोडक्ट या फिर खाने का भी कुछ भी ले रहे हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर ले. तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 8/2019 एंड आप इसे यूज कर सकते हैं 7/2021 तक. सो ये थी इसकी आउटर पैकेजिंग. और जैसे कि इसने अभी क्लेम किया है कि हमारे डार्क स्पॉट्स को और ब्लेमिशेस को कवर करता है और इवन स्किन टोन देता है और मैट फिनिशिंग दे देता है, तो उसके बारे में भी हम जब मैं ट्राई करके देखूंगी तब चेक करेंगे. इस तरह की पैकेजिंग के साथ है ये 18 ग्राम की ट्यूब है, 4 रुपीज 85 ओनली. तो काफी सही है, लाइक अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, स्कूल गोइंग गर्ल हो या फिर यू नो हाउस वाइफ हो, आपका बजट इतना नहीं है कि आप महंगे महंगे फाउंडेशन लेना चाहते हो और जस्ट आपको एक सिंपल सी क्रीम ट्राई करनी है, डेफिनेटली प्राइस वाइज तो बेटर है. नाउ अब बात आती है कि यूज करने पे कैसा रिजल्ट मिलेगा. इस तरीके से है, लाइक जो इसकी पैकेजिंग है वो ट्रैवल फ्रेंडली हो जाती है, कि अगर आप यू नो ट्रैवल वगैरह कर रही है तो इजिली इसे बैग में भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपको इस तरह से कैप मिलेगी जो कि यू नो इजिली रिमूव नहीं होगी. इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद ये ओपन होगी. नाउ यहाँ से ये ट्यूब स्टार्ट हो जाती है और जिसका कलर है, जैसे कि इनका लिखा हुआ था कि मल्टीविटामिन क्रीम और जो फाउंडेशन है उसको मिक्स करके इसका मिक्सचर बनाया गया है. नाउ हल्का हल्का, जैसे कि वहाँ पे लिखा होता है, डॉट डॉट्स में आपको अप्लाई करना है. फर्स्ट मैं अपने हाथ पे आपको इसे ट्राई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे फेस पे अभी मेकअप है, तो मेकअप रिमूव करने के बाद मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूंगी. तो फर्स्ट मैं यहाँ पर इसकी कवरेज चेक कर रही हूँ. एज यू कैन सी, मैंने हाफ पे क्रीम लगाई है, हाफ पे नहीं लगाई, एंड सी दी रिजल्ट गाइस. यहाँ से आपको एक ग्लो सा लग रहा होगा, लाइक थोड़ा सा इसने ग्लो दिया है. एंड बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, ऑब्वियसली जैसे यू नो फेयर एंड लवली के प्रोडक्ट्स में से आती है, सेम वैसी ही फ्रेग्रेंस में से आ रही है. नाउ यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हैं, इस साइड एंड गाइस यहाँ से देखो, मेरी स्किन बिल्कुल मुझे सॉफ्ट लग रही है, लेकिन यहाँ से ना थोड़ा सा, जैसे कि इसने क्लेम किया है कि ये मैट फिनिशिंग देता है, यस ये मैट फिनिशिंग दे रहा है और ग्लो भी प्रोवाइड कर रहा है. नाउ अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, इसके बाद मैं आपको अपने फेस पे भी इसे ट्राई करके दिखाऊंगी. नाउ गाइस, एज यू कैन सी, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. इसके बाद आपको यूज करना है कोई भी, आप यू नो एसेंस वगैरह यूज कर सकते हैं. आजकल मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का ये एसेंस. सो गाइस, ये मेरी स्किन को काफी अच्छे से यू नो क्लियर कर रहा है, क्रिस्टल क्लियर कर रहा है. जस्ट इस तरीके से आपको इसे अपने पाम पे लेना है और जस्ट अपनी फिंगर की हेल्प से आपको इसे अपने
पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इस तरीके से अगर आप इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं, ट्रस्ट में विद इन वीक आपको इसका रिजल्ट यू नो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसे अपने फेस पे लगाया। इसके बाद मैं अपना यू नो मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। आप इसके जगह कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, जो भी मर्जी स्किन हो, अपनी स्किन को अच्छे से पहले हाइड्रेट आपको करना है, मॉइस्चराइज करना है। क्योंकि ऑयली स्किन वाले क्या करते हैं, यार हमारी तो ऑयली स्किन है, वैसे इतना तेल आता है तो हम क्यों लगाए कुछ, तो ऐसा नहीं आपको करना है, वरना आपकी स्किन फटने लग जाएगी, काली पड़ने लग जाएगी। ये क्रीम या कुछ भी अपने फेस पे लगा रहे हो उसे हल्का सा नेक पर भी लगा ले, ताकि जब जैसे ये बीबी क्रीम है इसे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी और नेक पे ना लगाऊं तो कितना ज़्यादा ऑकवर्ड सा लगता है, तो मेक श्योर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ ये है मेरी ट्यूब, और जैसे कि ये क्लेम कर रही थी कि डार्क स्पॉट्स को यू नो कम करती है, ब्लेमिशेस को कम करती है, सो लेट्स सी कैसी कवरेज देती है। नाउ अभी मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, जस्ट मैंने लिप बाम लगा रखी है, तो भाई इस तरीके से डॉट डॉट्स में जैसे कि वहाँ पर मेंशन था ना, मैं उसी तरीके से इसे लगा रही हूँ। आपकी ड्राई स्किन है तो यहाँ पर आप कोई भी यू नो ऑयल यूज कर सकते हैं हल्का सा इस क्रीम को लगाने के साथ। आपको अपनी फिंगर का यूज करना है और इसकी हेल्प से आपको जस्ट डैप डैप करके इसे ब्लेंड करना है, ना कि रब करके करना है। अगर रब करोगे तो आपकी स्किन खराब हो सकती है। नाउ जस्ट डैप डैप करके आपको इसे ब्लेंड करना है। एज यू कैन सी जस्ट डैप डैप करके मैं कितने अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। हाँ ये कवरेज तो काफी अच्छी दे रहा है, लेट्स सी कि पूरा अच्छे से ब्लेंड होने के बाद ये कैसी कवरेज दे रहा है। सो गाइज एज यू कैन सी मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसने थोड़ा थोड़ा यू नो व्हाइट कलर का टेक्सचर दिया है। बात करें इसके कवरेज की तो कवरेज मुझे काफ़ी सही वाली इसकी लग रही है। नाउ एक बार मैं मिरर में देख रही हूँ अच्छे से। नाउ गाइज इसने मेरी स्किन को थोड़ा सा, जैसे कि मेरी स्किन यू नो ड्राई है तो मेरी स्किन को अच्छे से इसने मैट कर लिया है। सो मेक श्योर कि अगर आप इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट ड्राई स्किन वाले यूज़ कर रहे हैं तो साथ में हल्का सा गुड वाइब्स का या किसी भी ब्रांड का आप सीरम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 2 ड्रॉप्स आपको यूज़ करनी है, उसके साथ आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसने दी है, स्किन को पूरा अच्छे से मैट कर दिया है। सो ऑयली स्किन वालों, कॉम्बिनेशन स्किन वालों या फिर नॉर्मल स्किन वाले डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है। और बात करें इसकी कवरेज की तो इसने काफ़ी अच्छी कवरेज दी है। प्लस जो मेरे यू नो स्पॉट्स थे वो बहुत ही हद तक यू नो लाइट हो गए हैं। ऐसा नहीं बोलूंगी कि पूरे ही लाइट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं 100% तो लाइट नहीं हुए हैं, बट स्टिल प्राइस के अकॉर्डिंग इसने काफी अच्छे से लाइट कर दी है। एंड आप इस क्रीम को एवरीडे बेसिस पे यूज कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा फेयर एंड लवली बीबी फाउंडेशन क्रीम का फुल रिव्यू प्लस डेमो, एंड आई रियली होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो देन लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।